हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन सी औरत चढ़ी, उसका नाम। ऑप्शंस हैं मारी जोस, फ्लोरेंस ग्रिफिथ, जॉन कोटेबी या जैकी जॉइनर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉन कोटेबी, और ये जापान की रहने वाली माउंटेनियर थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द अर्जुना अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। अर्जुना अवार्ड किस साल में लाए गए, 1965, 1963, 1961 या 1975। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, 1961 में अर्जुना अवार्ड्स लाए गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक। पहले आप ओपेक की फुल फॉर्म देखिए, ओपेक का है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, और इसको बनाया गया 14 सितंबर 1960 को इसका वजूद अमल में लाया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बगदाद यानी इराक में है। अब आपको बताना है इन मुल्कों में से इस ओपेक में मेंबर कंट्री कौन सी नहीं है, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया या नाइजीरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, यानी मलेशिया। मलेशिया ओपेक कंट्रीज़ में नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन। आपको बताना है इसका ऑथर यानी लिखने वाला कौन है, थॉमस हार्डी, थॉमस मन, थॉमस मोरे या थॉमस पैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यानी थॉमस पैन इसका ऑथर है, द राइट ऑफ मैन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियन। आसियन की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो पहले मैं इसके बारे में बताऊं, आसियान का जो फाउंडिंग हुआ है ये हुआ है 8 अगस्त को इसकी फाउंडिंग हुई है, और ईयर था 1967 में इसकी फाउंडिंग हुई है, जिसका मकसद था जो भी साउथ ईस्ट में कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ताकि आपस के मुल्कों में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मेन एम था वो हो जाए। तो आपको बताना है इन कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, ये है ब्रूनी, दारुसलम, कंबोडिया, वियतनाम या इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर कंट्री ऑफ आसियान। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया फर्स्ट टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन द ईयर। आपको बताना है इंडिया ने ओलंपिक गेम्स में सबसे पहले कब शिरकत की, 1920, 1928, 1972 या 1974। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, यानी 1920 में इंडिया ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में शिरकत की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फर्स्ट, सॉरी ये यहाँ पर फर्स्ट है, ये फर्स्ट नहीं है, ये फर्स्ट है यहाँ पर, द फर्स्ट एशियन गेम्स वायर हेल्ड इन। आपको बताना है फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर खेले गए, आपके पास ये ऑप्शन इंडिया, ये चाइना है, इंडिया है, या पाकिस्तान या ईरान, कहाँ पर एशियन गेम्स पहली बार खेले गए, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, यानी इंडिया में पहली बार एशियन गेम्स खेले गए, और ये खेले गए थे मार्च 1951 में, ये पहली बार इंडिया में खेले गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टोडा ट्राइब्स मेनली लिव इन। आपको बताना है टोडा ट्राइब्स
एक ट्राइब है, ये कहाँ पर रहते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या उड़ीसा। इंडिया में ये कहाँ पर रहते हैं? तो जल्दी से जवाब बताएं। इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। तो टोडा जो रहते हैं ये तमिलनाडु में रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इज वेल नोन फॉर एलिफेंट्स। तो हाथियों के लिए इनमें से कौन सी सेंचुरी मानी जाती है? तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, सेंचुरी उस जगह को कहते हैं जहाँ पर हम जो डेंजर में हैं कुछ एनिमल्स, तो उनको रखा जाता है। तो इनमें से कौन सा सेंचुरी है जो हाथियों के लिए मानी जाती है? ऑप्शन से आपके पास कान्हा, गिर, काजीरंगा या परियार है। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी सेंचुरी है जो हाथियों के लिए जानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गिर। गिर सेंचुरी हाथियों के लिए फेमस है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, गिर सेंचुरी ये गुजरात में है और इसकी जो फाउंडेशन है वो 1965 में की गई। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की अपनी ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।